नमस्कार सुरागिला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रिया तोमर। इतिहास के धार्मिक पन्नों से के आज के अध्याय में हम होली से जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे। इन तथ्यों को जानने के लिए मैं मौजूद हूँ भृगु ज्योतिष केंद्र में। मेरे साथ मौजूद है पंडित अनुप कुमार दुबे जी। पंडित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि होली का त्यौहार कब मनाया जाएगा और होली मनाने का कारण क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वप्रथम आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। पूरे भारतवर्ष में बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है। होली इसलिए मनाया जाता है कि प्रहलाद जी ने भगवान के नाम लेने के डर से उनको, उनके पिता ने हर जगह पहाड़ों से पटका, मारा पीटा, बहुत उनके साथ अत्याचार किया, फिर भी वो प्रभु का नाम लेने नहीं भूले। उनके साथ अग्नि परीक्षा ली गई। होलिका ने उन्हें गोदी में लेके अग्नि में बैठी कि चलो इसमें तो ये जल के भस्म हो जाएगा। लेकिन होली जलने वाली रात में होलिका ने जब प्रहलाद जी को गोदी में लेके बैठे तो होलिका जल गई, भस्म हो गई। उस दिन से ही होली का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और होली मनाने की, कब होली मनानी चाहिए, ये भी एक प्रश्न है। हमारे जो भी हिंदू सनातन धर्म के त्यौहार हैं उसमें कुछ मतभेद तो होते हैं। कोई आज मनाता है, कोई कल मनाता है। शास्त्र के हिसाब से अगर होली का जो शुभ मुहूर्त है वो मंगलवार की रात में 12 बजे के बाद ही होली जलेगी, और रंगों का त्यौहार दिन बुधवार 8 तारीख को मनाया जानी चाहिए। पंडित जी, एक और प्रश्न है कि अक्सर हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ शुभ होता है, तो मैं जानना चाहूंगी होली के दिन कौन सा रंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो शुभ हो। देखिए, रंग तो सभी अच्छे हैं और होली का त्यौहार में हर तरह के रंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन रंगों की बात है तो गुलाबी रंग सबसे अच्छा होता है। और सूखी होली खेलनी चाहिए। गीली होली से परेशानी होती है, सूखी होली से त्यौहार मनानी चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। इतिहास के धार्मिक पन्नों से के आज के अध्याय में हमने होली से जुड़े कुछ तथ्यों को जाना। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज के साथ। मैं रिया तोमर आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।